पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्पष्ट कुष्ठ जागरूकता अभियान एवं कुष्ठ पखवाड़ा के क्रम में आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नगर क्षेत्र मुरादाबाद में कुष्ठ रोग की जागरूकता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कुष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर भास्कर अग्रवाल ने छात्राओं के सम्मुख कुष्ठ रोग तार से चर्चा करते हुए बताया, कुष्ठ रोग एक दीर्घकालिक रोग है। कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग नहीं है। यह रोग माइक्रो बैक्टीरियम लैपी नामक सूक्ष्म जीवाणु के कारण तो होता है, जिसकी खोज अमरोन हैंसिन द्वारा की गई थी। यह एक मात्र जीवाणु है। शरीर की त्वचा के साथ साथ तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है। यह जीवाणु शरीर में कोई जीव विष पैदा नहीं करता, जिस कारण शरीर में जीवाणुओं की उपस्थिति के बाद भी व्यक्ति लंबे समय तक अपने को स्वस्थ महसूस करता है। प्रत्येक व्यक्ति का शरीर रोग जीवाणु से संक्रमित होते हैं, किंतु शरीर प्रतिरोधक क्षमता के कारण वे बीमार नहीं होते। किंतु जिन व्यक्तियों के शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होती है, वह बीमार हो जाते हैं। तो उससे ये जानकारी मिली है कि 95 से 99% व्यक्तियों में कुष्ठ रोग के सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ने की ताकत होती है। मल्टी ड्रग थेरेपी से कुष्ठ रोग का उपचार पूर्णतः संभव है, जो सभी सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त उपलब्ध है। कॉलेज की प्राचार्य अभिलाषा ने कुष्ठ रोग की जागरूकता संबंधी अपना उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए कहा, कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगी को जांच व उपचार के लिए प्रेरित करें, जिससे उन्हें विकलांगता से बचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा ये स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान और कुष्ठ पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आज हमने बच्चों को कुष्ठ रोग के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया कि किस तरीके के लक्षण होने पर कुष्ठ रोग की संभावना व्यक्त की जा सकती है। कोई भी सुन्न दाग धब्बा जिसमें खुजली ना आती हो, पसीना ना आता हो, जिस पर रोमकूप या बाल समाप्त हो गए हों, ऐसा कोई भी निशान कुष्ठ रोग का हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की जांच स्वास्थ्य केंद्र जाकर कराएं, जिससे अगर उसे कुष्ठ हो तो उसका सही समय पर उपचार हो सके और उसे विकलांगता से बचाया जा सके।